रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, यह रेडियो हिंदुस्तान, आप सुन रहे हैं पारिजात को। बहुत जरूरी बड़ी खास बात है, बड़ी चर्चा में है। पाकिस्तान का कश्मीर क्या भारत आने वाला है? जी हाँ, कहा तो यही जा रहा है। कितना वक्त लगेगा, कैसे आएगा, क्या होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर ये सच बात है, कश्मीर भारत, पाकिस्तान भारत के कश्मीर का रोना रोता रहता है, उसे अपना बताने की कोशिश करता है, उसको हड़पना चाहता है, लेकिन उससे अपना कश्मीर तो संभल नहीं रहा है, क्योंकि बेसिकली हमारे कश्मीर का हिस्सा है। उसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और मजे की बात, जो आरोप वो हम पे लगाते हैं, एक्चुअली वो उन्होंने वहाँ किया है। पाकिस्तान की फ़ौज ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इतना सताया है लोगों को, इतने रेप किए, इतने मर्डर किए, इतनी बुरी तरह से वहाँ की जनता का शोषण और अत्याचार किया है कि घर घर में वहाँ पे बागी पैदा हो रहे हैं। पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बागी हो गया है, और वह भारत से उम्मीद कर रहा है, उम्मीद लगा के बैठा है कि भारत मदद करे, भारत से मिलना चाहता है, भारत से जुड़ना चाहता है। उसको पता है भारत ही उसकी रक्षा कर सकता है। उसको ये भी पता है कि अगर वो अकेला रहेगा तो पाकिस्तान उसको खा जाएगा। इस बारे में एक बयान आया, बहुत बड़ा बयान आया, पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा बस ज़रा सा इंतज़ार कीजिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अपने आप भारत में आ जाएगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में बहुत बड़ा बयान है। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पहुँचे हुए हैं राजस्थान में। वहाँ बीजेपी के परिवर्तन यात्रा चल रही है, उसमें शामिल होने के लिए वो वहाँ गए हैं। और उन्होंने जो बयान दिया है, बहुत बड़ा बयान है, और उसको एक संकेत माना जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पीओके अपने आप ही भारत में शामिल हो जाएगा, हमको बस इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। बात यह है कि बीजेपी के ये सांसद जो कि पूर्व सेना प्रमुख रहे जनरल वीके सिंह, उनसे सवाल पूछा गया था। पत्रकारों ने पूछा कि पीओके में लोग भारत में शामिल होने की बात कर रहे हैं, आप क्या कहते हो? इस प्रश्न के उत्तर में वीके सिंह जी ने कहा कि पीओके तो अपने आप ही भारत में शामिल हो जाएगा, इसके लिए बस आपको ज़रा सा इंतज़ार करना है। ध्यान देने वाली बात है कि राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी सिलसिले में हमारे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी राजस्थान में बीजेपी के परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए वहाँ गए हुए हैं। इसी दौरान दौसा में, दौसा क्षेत्र है एक राजस्थान में, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया पत्रकारों द्वारा वीके सिंह से, क्योंकि वो पूर्व सेना प्रमुख थे, पीओके के लोग भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, भारत में विलय की मांग कर रहे हैं, बीजेपी का क्या कह रहा है। तो उन्होंने बता दिया कि भाई रेडी रहो, आ रहा है पाकिस्तान, तश्तरी में परस करके हमारे खाने के लिए नहीं, हमसे जुड़ने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सांसद से ये भी पूछा गया, पीओके के शिया मुस्लिम भारत के साथ सीमा खोलने की बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी सांसद ने कहा कि पीओके का खुद ब खुद भारत में विलय हो जाएगा, बस आप ज़रा सा इंतज़ार कर लीजिए। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे हैं प्रदर्शन। बात यह है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसको पीओके कहा जाता है, उसमें इस समय पाकिस्तान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है, अत्याचार का, जनता के बीच में बगावत का, लेकिन अब वो खुलकर सड़कों पर सामने आ गया है। जम्मू कश्मीर के एक कार्यकर्ता शब्बीर चौधरी ने इस बारे में बताया, उसने पीओके में रहने वाले लोगों का मुद्दा उठाया। पीओके में लोग महंगाई के कारण भोजन की कमी का संकट महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा टैक्स को लेकर सड़कों पर लोगों को उतरना पड़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, पाकिस्तान का जमकर विरोध हो रहा है। पूरे क्षेत्र में, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ज़ोरदार विरोध चल रहा है, सेना के खिलाफ, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बुरी हालत के लिए जनता पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रही है। चलिए, जो भी होगा अच्छा होगा, अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में आ जाएगा तो उसके हाल संवर जाएगी, उसका भाग्य बदल जाएगा। भारत में रहेगा तो विश्व गुरु के साथ रहेगा, भारत का हिस्सा बन के रहेगा, सुरक्षित भी रहेगा और स्वतंत्र भी रहेगा। एक प्रदेश के रूप में भारत से जुड़कर उसका भविष्य उज्जवल रहेगा। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर इसी तरह की कोई दिलचस्प खबर लेकर। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।